हेलो दोस्तों, दिस इज रेमेडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो है फॉग लाइट के ऊपर मैं लगा रहा हूँ अपने पारों के अंदर, फॉग लाइट पारों के अंदर या पारों के ऊपर फॉग लाइट लगा रहा हूँ। बेसिकली मैं फॉग लाइट के, आपने देखी होगी कई लोगों ने, मतलब वीडियो बहुत आती है बट मैं नहीं बनाता। रीजन ये दोस्तों, पहली बात तो वायरिंग से छिड़कानी नहीं, दूसरी जो हमारी फॉग लाइट होती है सब वो लाइट होती है तो वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा चुपती है। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा मत लगाइए, लगाइए बट ये देखिए लगानी कौन सी है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के, मतलब अभी लगा रहे हैं, मैंने कौन सी मंगाई है वो भी दिखा देता हूँ आपको, और कौन सी लगानी चाहिए वो बताऊंगा बाद में। और क्यों, क्योंकि पहले ना ऐसे बता के नहीं, इसको दिखा के आपको बताऊंगा और एग्जांपल भी दूंगा। सेकंड चीज़ ये है कि पारों में क्यों लगा रहा हूँ मैं, मतलब इसकी लाइट अच्छी है बट मैं जा रहा हूँ राइडिंग पे, आप देख सकते हो पारों के सैडल बैग वगैरह रेडी है, बस सामान इसमें जैसे कपड़े रखने और मैं निकल जाऊँगा राइड पे। उसकी वीडियो आएगी एनसीआर बाइकर्स पे, जैसे मैंने दिल्ली से कन्या में निकला था जब, और अभी जा रहा हूँ मैं, देखो मनाली शिमला स्पीति कहाँ का हो रहा है वो तो इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे आके स्टोरी देख लेना आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है, वो अपडेट करता रहता हूँ मैं कहाँ की वहाँ अपडेट बता दूंगा आपको। मेरे साथ सिचुएशन ये आ रही है दोस्तों कि इसमें ना जगह नहीं है उतनी, हमारे पास बुलेट के अंदर काफ़ी सारी जगह होती है लगाने की बट हमारी पारों के अंदर जगह नहीं है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ लाइट कौन सी है वो देखिए, और उसके बाद देखते हैं लगानी कहाँ है, ठीक है? तो बिना देरी करें चलो फिटिंग करते हैं इसकी। तो ये है लाइट, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये स्टिकर, ये इसका क्या है, वारंटी कार्ड है, मैनुअल है, क्या है होगा कुछ। ये हैं दोस्तों लाइट, इसके साथ है ये रिमोट, कुछ क्लिप, ये लाइट। रिमोट का क्या खेल है वो मैं बताऊंगा आपको, और इसमें ये तीन वायर है देखो सकते हो, ठीक है ना? तो इसकी अब फिटिंग बनाते हैं और देखते हैं कहाँ लगाते हैं। तो पार्क पास लेके चलते हैं, और इस लाइट का मैं बताता हूँ क्यों लगा, ये बताऊंगा लास्ट में कि ये लाइट और कौन सी लाइट लगानी चाहिए, ये सब कुछ कौन सी लाइट लगानी है कौन सी नहीं वो सब बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ लगा सकते हैं बट यहाँ अगर लगाएंगे ना इसमें टच हो रही है, पर लगाएं कहाँ यार, रोशनी कहाँ लगाएं इसको, नीचे देखना उस साइड पकड़ना लाइट, यहाँ लगा लीजिए भाई, पागल हो रहे, लेग गार्ड वो सबसे बाहर रहेगी, तुम चॉकलेट खाने में तो बिजी हो तुम यार, बोल लो यहाँ लगाने के लिए, यहाँ लगा लीजिए पागल हो रहा है क्या भाई, एक काम करते हैं यहाँ इसका इस जगह बनाते हैं, ये यहाँ दोनों सही लग रहे हैं, रखना पकड़ना वहाँ पे ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ ये सही है। तो इसकी फिटिंग की पत्ती इसमें से देते हैं यहाँ से, भाई चॉकलेट तुमने ख़त्म कर दी, पूछा भी नहीं, भाई दीजिए आप भी खाइए, दो दो चॉकलेट, पहले चॉकलेट खाएंगे भाई, पहले चॉकलेट पावर आएगी इससे, यहाँ से ना ये पत्ती लेके कर लेते हैं। चलिए इसकी फिटिंग बनाते हैं, करते हैं काम चालू। ये जैसे हमने स्टड लगा दिया यहाँ पे, अगर हम डायरेक्ट पत्ती लगाएंगे ना तो ये क्या करेगा, ये इसको दबाएगा, तो हमें मगर अंदर वाला हिस्सा दबाना है इसका जो कॉलर है, तो इसके लिए मैं लगा रहा हूँ फ्री स्पेसर, मैंने स्पेसर बनाया इसके, देखिए एक दो और तीन, अब ये हमारी क्या है, ये जो इसके अंदर की कॉलर है उस पर, और पत्ती हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, ये आ गई ऊपर से पत्ती, और अब नट और वार्शल, अभी हमारे इसके जो ऊपर के हैंडल टी प्लेट है बिल्कुल फिट होएगी सही, तो अभी हल्का सा लूज रखूँगा, उधर की भी लगा लेते हैं, फिर इसको फुल टाइट करेंगे, ठीक है?
परफेक्ट एकदम, हम लाइट लगा के फिर करेंगे टाइट। तो फिटिंग हो गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आप देख सकते हैं ये वाला स्विच लगाया है इसका यहाँ पे, तो रेड येलो ग्रीन रेड वर्सेस कनेक्शन दिया, वो सब दिखा दूंगा अभी कैसे। तो लुक काफ़ी अच्छी हो गई, मतलब भारी हो गई है, पूरी टूरिंग बाइक हो गई है। अब मैं बताऊँ लाइट कौन सी लेनी है आपको। जो लाइट मैंने यूज़ किया, आपने नोटिस किया होगा ये LED लाइट तो है, बट ये प्रोजेक्टर लाइट है। अगर आप इसको पास से आके देखोगे तो आपको देख सकते हैं ये आंखों में लगने वाली नहीं है। अगर मैं इसको ऑन भी करूँगा तो कैमरे में भी आपको पता नहीं चलेगी, देखो आंखों में नहीं लगेगी इतना, ठीक। यही अगर दूसरी LED लाइट होती है वो आंखों में चुपती है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये लेनी है जिसका फ्रेम एक प्रोजेक्टर की तरह काम करे, जो नीचे नीचे रहे, और जिसमें LED बल्ब पूरे पूरे दिखते हैं ना, वो सामने वाली आंखों पर लगते हैं। पहली बात तो ये सामने वाली आंख पे नहीं लगेगी। इन केस ऊपर नीचे रोड है तो लग सकती है। उसके लिए मैंने क्या भाई, ये जो आप देख रहे हो मैंने ये कवर बनवाए इसके, तो जब मेरा यूज़ नहीं है तो मैं इसको कवर करके रखूँगा लाइटों को। ये देखिए, तो इससे और अच्छी लुक आ रही है। तो मतलब ये नहीं कि लाइट लगाई तो बिना फालतू में चलाऊंगा, मैं इसे फुल कवर के साथ चलाएंगे हमें भाई। जब राइड करेंगे अगर जरूरत पड़े इसकी तो खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलेंगे। अब मैं आपको इसका एक चीज़ दिखा दूं, ये जो इसका रिमोट है उसको ऑन करते हैं, ठीक। हेडलाइट तो इसकी ये आजकल ऑन है, तो जो रेड वाला स्विच है मैंने दिया ये, और ये देख सकते हैं लो बीम है, बेसिकली हाई बीम नहीं है, लो बीम लाइट है। इसको ऑफ करते हैं, और अब मैं इसके अगर हजार्ड ऑन करूंगा, तो मैंने इसका स्विच हजार्ड के साथ दिया है, इसमें कुछ नहीं चला। अब रिमोट से ऑन करूंगा, देख सकते हैं ये ऑन, ब्लू इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू वाइट, और ये फ्लैशर का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो देखो फ्लैश हो रहा अपना, अब इस पर स्ट्रोब रेड के साथ, मुझे स्ट्रोब चाहिए, रेड लगाया स्ट्रोब दबा दिया, अब ये स्ट्रोब का काम करेगा इंडिकेटर के साथ, ठीक। और ये फेड वाला ऑप्शन आएगा जो आपने देखा होगा, ये ट्रक वाले बहुत यूज़ करते हैं, उनकी लाइटों में रेड वहाँ चल रहा है, ये अपने आप कलर चेंज करते रहेगा, ये स्मूथ, ये इस तरीके से चेंज होगा। तो मतलब काफ़ी सारे फंक्शन है, कलर बहुत सारा आप रिमोट से, और अच्छी बात ये भाई ये मोबाइल की ऐप से भी कनेक्ट होता है, तो मोबाइल की ऐप से कर लूँगा। खैर मुझे ये सब नहीं करना है, ये तो आपको पता है लाइट में है। और अगर आप लाइट लेना चाहते हो तो भाई ऑनलाइन सर्च कर लो, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डालने वाला हूँ नहीं इसका कोई, ये तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने मंगा ली, और ऑनलाइन सर्च कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मगर इंस्टा का है, तो वहाँ पे जाके अभी फॉलो करो। एक चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पे जो राइड होती है ना मेरी, तो वहाँ अपडेट मिल जाती है, हो सकता है आप भाइयों से मिलते रहें इस चीज़ को, ठीक है। अब बिना देरी करें इसको बाहर चल के इसका फोकस देख लेते हैं कैसा, ताकि आपको बता सकूं कि ये लो बीम क्या फोकस है, ठीक है। चलिए अभी जैसे इस टाइप के रोड होते हैं, ठीक है ना, वहाँ हाई बीम लो बीम इतना काम नहीं करता है। अब कितना कवर हो रहा है रास्ता, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, लो है ये हाई, अब मैं चलाता हूँ ये वाले, ये देखो है ना सही, और फोकस बिल्कुल नीचे रखा है मैंने, यहाँ देखो ऑफ कर दूंगा, ये देखो एंगल बड़ा हो गया ना, आप खुद समझ रहे होंगे, देखो यहाँ कितना कितना इतना एंगल है। अब लाइट पूरी यूँ जा रही है ना, देखो यहाँ से लेके इतना बड़ा एंगल मिल गया हमें, मतलब जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो भी दिख जाएंगे। अब नहीं दिख रहे अभी तो, यहाँ दिल्ली में थोड़ी बहुत रोशनी है तो इसलिए यहाँ का और यहाँ का दिख रहा होगा आपको। मैं ना ये वाली छोटी लाइट ऑन कर लेता हूँ आपको, देखिए अभी आपको यहाँ का दिख रहा होगा क्योंकि दिल्ली में लाइट होती है। अब ये पूरा कवर, ठीक है, तो रोशनी अच्छी है भाई। आप कर लेते हैं इसको फालतू में चलाएंगे, जब हमें जरूरत होगी जब भी चलाएंगे, ठीक है ना। आइए शॉप पे बात करता हूँ थोड़ी। तो देखा दोस्तों आपने, ये बिल्कुल मतलब वाइल्ड एंगल मिल जाता है इसके अंदर, लो बीम लाइट है, टेंशन नहीं है, आंखें पे नहीं लगेगी, और ये मैं जब भी यूज़ करूँगा जब मुझे नीड होगी, अदरवाइज ये कैप लगा रखी है दोस्तों। अगर आप भी यूज़ कर रहे हो लाइट
तो आप उसकी कैप बनवा लिए ताकि आपको मतलब फिर पता है क्या, एक हमारे खुद ही मन से होगा यार जब यूज होगी जब ही हटाएंगे, अगर कैप नहीं होगी ना यार चल लाइट जला ले, यार चल लाइट जला ले, ये होता है ऐसे में क्या, अगर लाइट भी जला ली तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो कैप के अंदर है और सामने वाले की आँख पर नहीं लगेगी, हम नीड पर ही निकालेंगे उसको अदरवाइज नहीं। तो बाकी पहाड़ों पे या कहीं हम जाते हैं ज़्यादा अंधेरा तो जरूरत पड़ती है लाइट की, एग्री करता हूँ क्योंकि एक सिंगल लाइट बाइकों पे कम दिखता है रोड, बाकी जितना हो सके नाइट का सफ़र अवॉइड करा करो ठीक है, और इमरजेंसी के लिए लगाइए, कोई ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, जाके वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ, बी सेफ राइड सेफ ड्राइव सेफ।